कोलकाता से, जहां पर दो लोगों की गोली मारकर हत्या हुई है। दो पक्षों में विवाद के बाद ये गोली मारी गई है, दो लोगों की गोली मारकर हत्या। फायरिंग में कई लोग घायल हुए हैं बताया जा रहा है। पुरानी रंजिश को लेकर यह हत्या हुई है। था दो पक्षों में, उसमें आज अभी कुछ देर पहले गोली चली है, जिसमें से दो व्यक्तियों की गोली लगी थी। अभी अस्पताल में लाया गया, दोनों की डेथ हो गई है। एक व्यक्ति इसमें इंजर्ड है और हम लोग अभी तत्काल सारी विधि कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी तनाव है वहाँ पर हम लोगों ने फोर्स लगा दी है और हम लोग विधि कार्रवाई करके जो अटैकर्स हैं जिन लोगों ने गोली चलाई उसको गिरफ्तार करने के लिए टीमें बना दी, बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तार करके। तो ग्रेटर नोएडा की खबर है जहां पर आपको बता दें दो लोगों की मौत हो गई, आठ लोगों पर इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। रघुपुरा के रामपुर बांगर की घटना बताई जा रही है जिसमें जमीनी विवाद और आपसी रंजिश बताई जा रही, उसके चक्कर में ये गोली चली है, डबल मर्डर हुआ और इस पूरे मसले में अब आठ लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आठ लोगों पर मुकदमा दर्ज कर चुकी है, दो लोगों की मौत हो चुकी है। यूनुस हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। यूनुस, जिन आठ लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया उनसे क्या पुलिस ने जाके अभी तक पूछताछ की है, क्या कुछ जानकारी अभी तक पुलिस जुटा पाई इस पूरे हत्याकांड के बाद? जी शिवांगी, मैं आपको बता दूं, पूछताछ की बात तो लगातार रात ही पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया, लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला रहा, लेकिन जिस प्रकार से रात पुरानी रंजिश के चलते एक अपने वर्चस्व जमाने को लेकर दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, उस दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी, वहीं एक लोग घायल हो गया था जिसको अभी इसका इलाज चल रहा है। यूनुस, पुलिस कई लोगों को हिरासत में भी ले चुकी, उनसे अभी तक पुलिस ने क्या कुछ जानकारी जुटाई है? जी मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है लगातार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और जो अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए दो टीम बना दी गई है। साथ ही अभी गांव में डेड बॉडी नहीं पहुंची है, उस माहौल को देखते हुए लगातार पुलिस ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। इस मामले में अभी तक आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका और जो फरार लोग हैं उनकी पुलिस तलाश कर रही है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई, बड़ी खबर।